Hi friends, today I will do the exercise 11.1 of Math Sahith and Anika Learning Book 6th Revised Edition. Okay, so friends, let's start. My name is Sahil and you are watching CBSE First to 8th Guide. Okay, so friends, okay, my first part is how many points does a line contain? एक लाइन में कितने पॉइंट कंटेन हो सकते हैं. लाइन मतलब क्या होता है, जो कि दोनों साइड से एक्सटेंड हो सके उसको लाइन कहते हैं. और हम उसमें कितने भी पॉइंट्स कर सकते हैं कहीं पर भी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इनफिनाइट, या इसको हम अनलिमिटेड भी कह सकते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट. एक पॉइंट, जैसे कि अब हम ए मान लेते हैं, ये पॉइंट है ए, तो इसमें से कितने लाइंस मतलब कि जा सकती है. सो जैसे कि वन इसके ऊपर में टारगेट है, यस, टू, थ्री, एंड दिस इज़ आल्सो इनफिनाइट, सो ये भी अनलिमिटेड है. हाउ मैनी लाइन्स, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन. हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट्स. कोई भी टू पॉइंट्स के बी मतलब की सहायता से कितने ज़्यादा लाइन्स बन सकती हैं, तो वो है वन. सिर्फ और सिर्फ वन लाइन ही बन सकती है टू पॉइंट से. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन. तो ये वाला हमें नोटबुक पर करना पड़ेगा. मार्क टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन योर नोटबुक एंड ड्रॉ लाइन्स पासिंग थ्रू इट. शो दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. जो कि पी और क्यू हमने एक दो पॉइंट बनाने हैं और हमने ऐसे दिखाना है कि एक ही लाइन पी और क्यू से पास कर सकती है. ओके सो फ्रेंड्स ये वाला हम सम करते हैं हमारी नोटबुक पर. ओके सो फ्रेंड्स ये है हमारा फोर्थ सम जो कि मैं अब कर देता हूँ. सो जो हमारे पॉइंट्स थे वो थे पी एंड क्यू. तो ये है हमारा पी और ये है हमारा क्यू. तो हमने दिखाना है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही पास कर सकती है और हमने वो दिखा दिया है. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है ये. ड्रॉ अ फाइव साइडेड पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर. तो हमने एक फाइव साइडेड पॉलीगन बनाना है और इसका इंटीरियर को हमने शेड करना है. तो फाइव साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं हम, पेंटागन. सो हम बना देते हैं. तो मैंने बना दिया है एक पेंटागन और अब हमें इसको शेड करना पड़ेगा इसके मतलब कि इसके इंटीरियर को. तो वो आप कर सकते हैं अपने आप, मैं भी कर दिखा देता हूँ. मैं पूरा नहीं करूँगा, आप पूरा कर देना इसको शेड. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स ये हमारा सिक्स सम. काउंट द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम. तो हमने मतलब कि जितने भी इनमें लाइन सेगमेंट्स हैं हमने वो फिगर आउट कर उनको लिखना है. ओके सो ये हम बिसाइड साथ साथ में करेंगे. जैसे कि यहाँ पर फिगर है तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट जो दिख रही है वो है ए डी. ए डी सेकेंड वन इज ए सी, ए बी, और अभी और भी हैं सी डी, सी डी और बी डी. ओके सो ये हैं वो लाइन सेगमेंट्स और कोई भी बची नहीं है. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द बी पार्ट. तो बी पार्ट है वो है एक क्वाड्रिलेटरल जिसके बीच में एक लाइन है. सो इसकी भी हम कर लेते हैं, इसकी भी हम ढूंढ लेते हैं लाइन सेगमेंट्स कितने हैं और कौन से हैं. डी ए मतलब कि ए डी भी कह सकते हैं उसको, ए सी और ए बी. ए वाली सभी ख़त्म हो चुकी है तो अब आगे मैं कर लेता हूँ बी सी और सी डी.
बस, और ये हैं इस वाले फिगर की लाइन सेगमेंट। सो अब मैं नेक्स्ट वाले फिगर की लाइन सेगमेंट्स दिखाता हूँ आप सभी को। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा सी पार्ट। सो इसमें जो कि सबसे पहली वाली लाइन है वो है एफ डी और एफ सी। एफ डी, एफ सी, डी ई सी ई, और सी ई और सी डी, जो कि एक यहाँ से लाइन जा रही है डी बी सी डी सी ए डी बी सी ए डी बी सी ए, और लास्ट वन इज ए बी जो कि यहाँ पर है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो गाइस, जो कि हमारा सेवन्थ पार्ट है वो है एक लाइन और एक लाइन सेगमेंट में डिफरेंस। सो जो कि लाइन होती है उसमें नो डेफिनेट लेंथ होती है, लेंथ और जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है उसमें हैज डेफिनेट लेंथ। एक और पॉइंट है इसका, डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट लेंथ। और जो कि हमारा बी पार्ट है वो है एक लाइन में नो एंड पॉइंट्स, और एक लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स, और यही है इन दोनों में डिफरेंस। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो गाइस, ये है हमारा एट्थ पार्ट। नेम द पॉइंट्स विच आर ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ए पार्ट ये वाला है, सो हम ये कर लेते हैं। एक्सटीरियर में कौन से है, डब्ल्यू और वाई है, जो आप एक्स एंड जेड ओ एम देख रहे हो तो वो तो बाउंड्री पर है। एक्सटीरियर में सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू और वाई है। एक्सटीरियर में है डब्ल्यू एंड वाई। सो ये है हमारा, अब हम कर लेते हैं बी पार्ट। इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। सो ऑन द बाउंड्री ओ एम जेड एंड वाई एक्स, ओ एम जेड एन वाई एक्स, जेड एन वाई एक्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो गाइस, ये हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई एंड राइट द फॉलोइंग। ए वन लाइन, बी फोर इज, सी टू लाइन सेगमेंट्स, डी थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। मुझसे कैमरा गिर गया था पहले। ओके सो ये है वो गिवन फिगर। सो सबसे पहले हमने वन लाइन ढूंढनी है, तो वन लाइन कौन सी है, नाइन्थ पार्ट है ये हमारा, इसका, इस एक्सरसाइज का नाइन्थ पार्ट। सो ए जो कि ए पार्ट है वो है वन लाइन हमने ढूंढनी है। लाइन मतलब कि जो नॉन एंडिंग हो, जो कि है पी और आर। पी आर है एक लाइन, और हम उसको ऐसे लिखेंगे। सो अब ये है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा चार रेस। तो जो हमारी रेस हैं वो है क्यू आर, क्यू पी, क्यू टी, क्यू एस। सो वो मैं लिख देता हूँ, क्यू आर, क्यू पी, क्यू एस, क्यू टी। ओके सो अब मैं कर लेता हूँ सी पार्ट। तो जो कि हमारा सी पार्ट है वो है टू लाइन सेगमेंट्स, टू लाइन सेगमेंट्स। तो वो है लाइन सेगमेंट दो हमने लिखनी है, तो वो है
क्यू आर एंड क्यू पी, तो वो भी मैं लिख देता हूँ क्यू आर। तो इस वाले में हम ऐसा सिंबल बनाएंगे इनके ऊपर क्यू पी। ओके सो डी है 3 कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, एक लाइन सेगमेंट में मतलब कि तीन तीन पॉइंट्स हो, तीन तीन पॉइंट्स का एक लाइन बनी हो पी क्यू आर। तो ये है हमारा 3 कॉलिनियर पॉइंट्स पी क्यू आर। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो गाइस जो कि हमारा 10th पार्ट है वो है ड्रॉ एंड नेम द फॉलोइंग पॉलीगन विद 3 साइड्स। तो पॉलीगन विद 3 साइड्स को हम क्या कहते हैं, ट्राई एंगल। सो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ट्राई एंगल। ओके सो लेट्स मूव टू द बी पार्ट। ओके सो ये है हमारा बी पार्ट जो कि है पॉलीगन विद 5 साइड्स। सो एक पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स हों, सो है उसको हम कहते हैं पेंटागन। ओके सो लेट्स मूव टू दिस सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा पॉलीगन विद 4 साइड्स, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हों, तो वो है क्वाड्रिलेटरल। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो ये वाला हम बुक पर ही करेंगे, तो हमें इससे ही पता चलना चाहिए जो कि ऊपर एक पॉइंट्स के ऊपर सिंबल होते हैं उनसे ही पता चलना चाहिए। तो ये है एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्योंकि इसमें रे वाला लाइन वाला किसी वाला भी कोई भी साइन नहीं है। ये है एक रे जो कि एक साइड को इनफिनाइट जा सकती है, जैसे कि सन रेज ए बी। तो ये है एक लाइन जो कि दोनों साइड्स पर जा सकती है, यही तक। क्यू पी एक लाइन सेगमेंट है। और ई पार्ट एक रे है, आर एस एक रे है। ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आइडेंटिफाई द क्लोज्ड फिगर इन द फॉलोइंग। तो क्लोज्ड फिगर हमने ढूंढने हैं, तो सबसे पहले ए पार्ट है, उसके बाद सी पार्ट नहीं है, डी पार्ट है और ई पार्ट है और एफ पार्ट है। ओके सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।